मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जो कानून किसानों को ही पसंद नहीं उसे सरकार क्यों थोप रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान आंदोलन के मामले में मोदी सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जो कानून किसानों के हित के नाम पर बना है। अगर किसान ही उसे खारिज कर रहे हैं तो उसका औचित्य क्या है। उन्होंने कहा जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर है उनमें मध्य प्रदेश के भी लाखों किसान धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन उस असंतोष का प्रतिफल है जो देश की आर्थिक गतिविधियों के लकवाग्रस्त होने से बनी है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसानों ने जो अपनी आवाज उठाई है, न्याय की आवाज उठाई है। गवर्नमेंट कहती है ये जो कानून लाए हैं किसानों के हित में है, पर किसान कह रहे हैं हम ये कानून नहीं चाहते। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि देश के भी कृषि क्षेत्र पर आधार है। अगर किसान हमारा कृषि क्षेत्र नाजुक व्यवस्था हमारी चौपट हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।